मेरे हस्बैंड को बहुत उन्हीं का वजह से आज मेरे जिंदगी मिला है। ममता बनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरा तरफ से, बहुत सारे दुआएं हम लोगों, मेरे बच्ची का दूसरा जिंदगी मिला है, मेरा शौहर को, हम लोगों को उनका वजह से। हम लोग कभी नहीं करा पाते इतना बड़ा हॉस्पिटल में इलाज, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा से 12 दिन रखा मेरे हस्बैंड को। मेरा एक लड़की है और कोई नहीं है, लड़का नहीं है, मेरा एक लड़की है, 10th में पढ़ती है। तो कंडीशन कैसा फैमिली का? हम लोग बस कमाने वाला मेरा हस्बैंड ही है और कोई नहीं। स्वास्थ्य साथी कार्ड को ममता का ट्रम कार्ड कहा जाता है, लेकिन इसी स्वास्थ्य साथी कार्ड के ऊपर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य साथी कार्ड से कुछ काम नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको एक शख्स की कहानी बताएंगे जिन्हें इसी स्वास्थ्य साथी कार्ड से तकरीबन 5 लाख रुपए के इलाज में मदद मिली है। जी हाँ, महानगर के मशहूर अस्पताल आर.एन. टैगोर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। नारकेल डांगा के रहने वाले मोहम्मद जमालुद्दीन की कहानी ऐसी है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जमालुद्दीन हार्ट के मरीज हैं, बगैर स्वास्थ्य साथी कार्ड के उनका इलाज हो पाना मुश्किल था, लेकिन ममता बनर्जी के स्वास्थ्य साथी कार्ड से उनको ये फायदा मिला। कुछ लोगों का आरोप है स्वास्थ्य साथी कार्ड जो बनाया जा रहा है ये पॉलिटिकल स्टंट है और इससे किसी को फायदा नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पर हम जिस जगह बैठे हुए हैं, ये नारकेल डांगा का इलाका पड़ता है, यहाँ पर इनको बेनिफिट मिला है, इनका इलाज हुआ, इनके फैमिली को इलाज हुआ है। मैंने ख़राब था और हम लोग बहुत दौड़ रहे थे, PG ले गए, NRS ले गए, सब में वक्त बहुत दे रहा था, 3 महीना 6 महीना का, लेकिन इनका तो हालत ख़राब होते जा रहा था। तो फिर अचानक से श्री ममता बनर्जी का जो कार्ड बना सासों साथी, 19 जनवरी को हम लोग कार्ड बना, 20 को हम इनको लेके गए रविंद्रनाथ टैगोर में, हम बुक में देखा हॉस्पिटल का नाम है इसलिए हम वहाँ ले के गए। तो वहाँ ले जाने के बाद ही 20 तारीख को मेरे लोग का काम चालू है, 20 जनवरी को ले गए, तो 20 जनवरी का को ही काम मेरा वहाँ शुरू कर दिया। डॉक्टर लोग देखी के पूछा, वहाँ आप लोग के पास इंश्योरेंस कुछ भी है? तो हम लोग बोले नहीं सर, हम लोग के पास नहीं है। तो हम फिर ये कार्ड निकाला, ये कार्ड निकाल के हम लोग दिखाया, तो ये कार्ड से डॉक्टर बोला आपका काम हो जाएगा। तो फिर उन लोग वहाँ से फिर प्रोसेस चालू किया वहाँ से, तो हम लोग का काम हो गया। क्या परेशानी था आपका? इनका चलने में मतलब परेशानी होता था, सांस लेने में परेशानी होता था, तो इनको तो हम लोग दिखा चुके थे NRS में, PG में, तो बोला था कि इनका एक बल्ब ख़राब है। अच्छा। तो इतना सारा पैसा भी नहीं था जो हम लोग कहीं प्राइवेट में ले जाते, तो हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे थे। तो आपको इस कार्ड के बारे में कहाँ से पता चला? ये कार्ड सब बना रहे थे हम लोग का मोहल्ला में, सब काउंसिलर लोग भी बता रहे थे, तो हम लोग भी बनाया सर। तो बनाने के बाद हम लोग सोचा कि ये इससे काम होगा या नहीं होगा, तो उसका बाद हाँ डर था हम लोग को, लग रहा था कि इसलिए कि लोग बोल रहे थे ये फालतू है, बेकार है, ये सब ऐसा काम है, होगा या नहीं होगा। फिर भी हम लेके गए यकीन करके ममता बनर्जी के ऊपर, तो हम लोग काम हुआ। आपका कार्ड दिखाइएगा जी, ये जो कार्ड। कितने मेंबर है आपके घर में? हम लोग घर में तो हम लोग मेरा एक लड़की है और हम लोग 2 हस्बैंड और वाइफ है। आपको पता है इस कार्ड का वैल्यू कितना है? 5 लाख। तो कितना में इनका इलाज हुआ इस कार्ड से? इस कार्ड में पूरा इनका कार्ड ही से पूरा इलाज हुआ है। कितना लगा? पूरा बैलेंस 0 हो गया है, लेकिन 6,30,000 बोला था, तो हम लोग डॉक्टर को बोले डॉक्टर साहब हम लोग ये नहीं दे पाएंगे इतना पैसा, हम लोग कार्ड के अंदर हो रहा है तो कर दिए, इसलिए हमारा घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मेरा हस्बैंड है, का है मेरा एक ही लड़की है। नाम क्या है? MD जमालुद्दीन हमारा नाम है जी। जी तो मतलब आपको क्या परेशानी हुई थी और इस कार्ड से आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ? हमारा यहाँ सीने में थोड़ा दर्द होता था, सांस के प्रॉब्लम थोड़ा था, तो जब मैं रिपोर्ट ये 20 तारीख को आपको कार्ड हुआ, कार्ड हुए इसके बाद तो हमको सब आदमी बुला जाइए, वो कागज़ में सब लिखा होता है चार्ट में आपका, तो फिर हम लोग टाइगर हम लोग गए आगे, तो बड़े लाल 4-5 जगह गए, इतने इतने पैसे बोले तो हम लोग जान कर नहीं सका कुछ। कौन कौन सा हॉस्पिटल में आप गए थे? प्रोटेक्स गए, NRS गए, PG गए, और वो और एक और नर्सिंग गए थे, वहाँ नहीं हुआ, नहीं बहुत पैसा लगेगा इसी की वजह से हम लोग नहीं करा सके। फिर कार्ड हुए हम लोग गए संग।
आयुर्वेद टाइगर में जी, वहाँ हुए सब रिपोर्ट करा रहा है कि डॉक्टर से मिले, डॉक्टर बोला हो जाएगा। फिर हम लोग को बताया 6,30,000 रुपये लगेगा, फिर भी हम लोग डॉक्टर फिर बात किया गया कि बोले ठीक है। हम लोग बताए भाई बहुत गरीब है हम लोग, हो नहीं सकता है, आप देखिए पाँच इसको पाँच में कर सकते तो करिए। तो बोले अच्छा रुकिए हम मैं बता रहा हूँ बातचीत करके। फिर वो थोड़ी देर बाद फ़ोन किए बोले ठीक है आप अपना काम करिए एडमिट हो जाइए। तो ममता बनर्जी जो बोलती हो करती हैं, ममता बनर्जी जो करते हैं जी बोलते नहीं है वो करते हैं। हाँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनको लिए तो और हमारा तरफ से बहुत कुछ और दुआ, वो हमारा शुक्रिया बहुत बड़ा है। आज से नहीं एक जमाने से मगर हमको भरोसा नहीं था मगर अब बहुत भरोसा हो गया है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं यही बोलूँगा कि ममता जी को आप उसको दिल याद से और ऊँचा करिए और उनको आगे बढ़ाए जी। एक और सवाल है, आर एन टैगोर में जो आपको रखा गया था तो कैसा सलूक किया गया आपके साथ? बहुत अच्छा व्यवहार उनका। हाँ उनके तरह नसीब को तरह हम देखे नहीं, एक डॉक्टर जाता है पाँच मिनट बाद दूसरा डॉक्टर आ जाता है, लाइन लगा हुआ रहता है कम से कम 4-5 घंटा डॉक्टर आने जाना करता है छोटा से लेकर बड़ा तक का। जैसे आपका हमारा स्वास्थ्य कार्ड और आपका उसका पैसा से लगता है उस हिसाब से हमको भी उसी देख रहे थे डॉक्टर जितने आ रहे थे सारे, जो आपका 5 घंटा तक 6 घंटा तक का डॉक्टर आते हैं 9 बजे सुबह से लेके रात 8 बजे तक का आते रहते हैं, पूरा पूछते रहते हैं। कितने दिन आप हॉस्पिटल में थे? हम 12 दिन पूरे थे हॉस्पिटल में जी, मगर ये 12 दिन में बहुत सा तो पैकेज में होता है तो आपका 8 दिन में 9 दिन में छोड़ देते हैं, हमको पूरे 12 दिन रखे थे। तो हार्ट का क्या 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 ऑपरेशन आपका हुआ? हमारा भेल खराब हो गया था, भेल। अच्छा भेल खराब हो गया तो भेल पलटी हुआ। हाँ जो बहुत बहुत शुक्रिया है जो मेरे साथ हुआ है, मेरे हस्बैंड को बहुत उन्हीं का वजह से आज मुझे जिंदगी मिला है। ममता बनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरा तरफ से, बहुत सारे दुआएं हम लोग, मेरे बच्ची का दूसरा जिंदगी मिला है, मेरे शौहर को, हम लोगों को उनका वजह से। हम लोग कभी नहीं करा पाते इतना बड़ा हॉस्पिटल में इलाज, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा से 12 दिन रखा मेरे हस्बैंड, मेरा एक लड़की है और कोई नहीं है, लड़का नहीं है, मेरे एक लड़की है 10th में पढ़ती है। तो कंडीशन कैसा है फैमिली का आपका? हम लोग बस कमाने वाला, मेरा हस्बैंड ही है और कोई नहीं है जी। हस्बैंड है, अगर ये भी चले जाते तो हम लोग बेसहारा रहते, माँ बेटी दोनों, हम लोग कोई नहीं है जी। तो ये आपकी बेटी है? ये मेरी लड़की है 10th में पढ़ती है, 10th में पढ़ती है जी। तो ये बहुत मतलब आपका जो कार्ड मिलने से आपको मतलब बहुत बहुत हमको इससे ही मिला है, इससे बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत सपोर्ट मिला ये कार्ड से। अगर ये कार्ड नहीं रहता तो आज मेरा हस्बैंड भी नहीं रहता। बोलेंगे ममता बनर्जी को वोट करिए, आगे बढ़ाइए और उनके पर यकीन कीजिए, गरीबों का बहुत मददगार है, हम लोगों का बहुत मददगार है, हम लोग बेसहारा हो जाते अगर ममता बनर्जी कार्ड नहीं निकालती तो। सही वक्त पर ये कार्ड मिल के हम लोगों का बहुत बहुत मतलब सहूलत मिला ही कार्ड से। ये मेरा दामाद है, ये बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, बहुत तकलीफ था इनको, मगर हम लोग के पास उतना नहीं था पैसा कि हम लोग कुछ कर सकते। हमको देखे हैं, मेरा बेटी है, इनका एक लड़की है, हम लोग को देखे हैं, लेकिन बीमार पड़ने के बाद हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। आप ममता जी बनर्जी जो कार्ड बनाई हम लोग बनाया तो उससे इनका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ तो थोड़ा ठीक है। ममता का हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे कि हाँ ममता हम लोग का साथ अच्छा की। आप लोग भी समझिए, ममता को बोलिए कि हाँ क्या कर रही हैं, आप लोग भी देखिए सब, मेरा आज दामाद हैं देखिए बगल में बैठ के, हार्ट का ऑपरेशन है, अगर इनका कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते बोलिए। अभी तो हम लोग थोड़ा कल मुद्दा में, हाँ आज हम लोग खुश हैं जी। हाँ
ममता बनर्जी का मतलब जो ये हाँ ममता जी की स्कीम ममता जी का बैनर काम आया हम लोग को। हाँ सब बोल रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा ये सब बेकार है अफवाह। हाँ लेकिन हम लोग का काम हो गया, हम लोग को ममता पर योगी है भरोसा हो गया है कि ममता काम की है हम लोग का। आज मेरा दामाद आ गए हाँ हॉस्पिटल से आगे देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं तो अभी हम लोग का क्या होता। मेरी लड़की थी, मेरा दामाद थे, मेरी नतनी थी, क्या होता मेरे बेटी का क्या होता। अगर कुछ हो जाता इनको तो मेरे लड़की का क्या होता, मेरे नतनी है उसका क्या होता। इतना बड़ा आदमी हम लोग नहीं थे कि हम लोग कुछ कर सकते। ज़िंदगी मिला है उन्हीं के वजह से मिला है और हम उनको ऊपर बहुत प्राउड करते हैं। वो एक लेडीज़ होके इतना करती है और उन मतलब उनको मतलब हम कभी ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूल सकते। और उनको वोट करें सब और उन्हीं को सीएम बनाएं नेक्स्ट जो वोट आने वाला है प्लीज़। और वो गरीब फैमिलियों को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करती है और हमें भी क्या वो बोलती नहीं और करके दिखाती, इसलिए हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्राउड करते हैं।